तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए सीएम बन गए। उन्होंने कुछ देर पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली। आखिर कौन है तीरथ सिंह रावत और कैसा रहा तीरथ सिंह रावत का सियासी सफर, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ, कल्पना नहीं की थी कभी मैंने कि इस तरह का यहां तक होगा। उत्तराखंड का सियासी घमासान, तीरथ को मिली प्रदेश की कमान। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र गए, तीरथ आए, बीजेपी का फैसला सबको चौंकाए। तीरथ संभालेंगे त्रिवेंद्र की गद्दी, अब की बार लग गई तीरथ की लॉटरी। पिछले करीब हफ्ते भर से उत्तराखंड में जारी सियासी घमासान अब थम चुका है। उत्तराखंड के नए सीएम का ऐलान कर दिया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी अब तीरथ सिंह रावत संभालेंगे, इसका ऐलान खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। उन्हें ये कार्यकर्ता को मौका दिया है, मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। आखिर कौन है तीरथ सिंह रावत और कैसे तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के कई दिग्गजों को पछाड़ते हुए सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाए जाने का ये ऐलान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में किया। विधायक दल की मीटिंग में खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत के नाम का प्रस्ताव भी रखा। खुद को सीएम बनाए जाने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वो एक दिन प्रदेश की कमान संभालेंगे। मैंने कहा कभी कल्पना नहीं की थी और इस प्रकार का मौका मुझे मिला, मेरे बड़े नेतृत्व ने मुझे मौका दिया, आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित है सबको मिलकर के लेके चलने काम करेंगे और मेरा है कि ये जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चार साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं इस प्रदेश के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रधानमंत्री जी जो ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर उसको लेकर के चौमुखी विकास। अब आपको बताते हैं कि तीरथ सिंह रावत कौन है और कैसे तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। तीरथ सिंह रावत मौजूदा वक्त में गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के मनीष खंडूड़ी को हराकर जीत हासिल की। तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के मनीष खंडूड़ी को 285,000 से ज्यादा वोट से हराया था। इसी साल यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत फिलहाल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड में बीजेपी के लिए कई अहम भूमिका निभा चुके हैं। तीरथ सिंह रावत राज्य स्तर के कई पदों पर रहे और कमेटियों का हिस्सा भी बने। साल 2000 में नवगठित उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री चुने गए थे। इसके बाद 2007 में बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए। उत्तराखंड आपदा 2013 के प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। साल 2012 में चौबट्टा खाल विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद 2013 में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था। 9 अप्रैल 1964 को पौड़ी गढ़वाल के पट्टी असवालस्सियों के सीरों में जन्मे तीरथ सिंह रावत छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं। हेमवंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स में स्नातक और श्रीनगर गढ़वाल के बिरला कॉलेज से समाज शास्त्र में एमए करने के बाद तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। महज 20 साल की उम्र में 1983 में तीरथ सिंह रावत आरएसएस के प्रांत प्रचारक बन गए। 1983 से 1988 तक वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बतौर युवा प्रचारक के रूप में शुरुआत करने वाले रावत छात्र जीवन के दौरान आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राज्य के संगठन मंत्री का पद संभाल चुके हैं। हेमवंती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश छात्र संघ मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड के संगठन मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री भी रहे।
इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 1997 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विनिश्चय संकलन समिति के अध्यक्ष भी रहे और अब करीब 57 साल की उम्र में तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड की कमान संभालने जा रहे हैं। बता दें कि प्रदेश बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से अंदरूनी कलह चल रही थी। कई दिनों की सियासी घमासान के बाद कल यानी 9 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अगले ही दिन 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत के रूप में प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।